हेलो लर्नर्स वेलकम टू चलते यहाँ पे हम जो है क्यूज प्रैक्टिस करेंगे डिमांड एनालिसिस यानी डिमांड फोरकास्टिंग और टेक्निक्स से रिलेटेड डिमांड क्या है टाइप ऑफ डिमांड उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एम प्रैक्टिस कर रखे हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले में मिल जाएगा आप वहाँ प्ले में देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि जानना जरूरी है तो डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई टी पी एस यू वेर द लेटर यू स्टैंड फॉर तो यू का क्या मतलब होता है डिमांड फंक्शन है ये तो डिमांड फंक्शन में जो यू है लेटर उसका क्या मतलब होता है यूटिलिटी यूनिट्स ऑफ कंजम्पन यूजेज या फिर ऑप्शन डी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड अदर्स तो अगर अपने ही पढ़ा है डिमांड फंक्शन तो यू मतलब होता है कि कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड अदर्स यानी कि कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है या कोई अदर फैक्टर्स है तो उसको हम यू से डिनोट करते हैं डिमांड फंक्शन में तो ऑप्शन डी इज़ दी करेट ऑप्शन नेक्स्ट है इन द एवर फंक्शन द लेटर पी एस स्टैंड फॉर तो आपने जो ऊपर डिमांड फंक्शन का देखा है तो उसमें जो लेटर पी एस है वो क्या है उसका क्या मतलब होता है प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस ऑफ कमोडिटी प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट या फिर ऑप्शन डी प्रोडक्ट सप्लाई तो आप मुझे ध्यान से पढ़ा है तो पी इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट तो डिमांड डिपेंड्स अपॉन दी प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन इसी तरीके से पी क्या है प्राइस ऑफ गुड्स हो गया जिसकी आप डिमांड चेक कर रहे हो वाई क्या हो गया इनकम ऑफ कंज्यूमर तो इनकम ऑफ कंज्यूमर को हम वाई से डिनोट करते हैं वहीं पर टी क्या है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ दी कंज्यूमर तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेटर का क्या मतलब है डिमांड फंक्शन में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग करंट वैल्यू ऑफ डिमांड फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ प्राइसेज एंड अदर डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग करंट वैल्यू तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिमांड एस्टिमेशन डिमांड एनालिसिस डिमांड फंक्शन डिमांड फोरकास्टिंग इन सारी चीजों से आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करंट वैल्यू ऑफ डिमांड ऑफ वेरियस वैल्यू प्राइस तो करंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं डिमांड एस्टिमेट करना तो ऑप्शन ए है डिमांड एस्टिमेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल्स एंड टेक्निक फॉर डिमांड एस्टिमेशन इंक्लूड तो डिमांड एस्टिमेशन के लिए कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स होते हैं तो कंज्यूमर सर्वे से भी आप जो है डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं कंज्यूमर क्लिनिक और फोकस ग्रुप से भी कर सकते हैं मार्केट एक्सपेरिमेंट से भी आप डिमांड डिमांड फोकस एस्टिमेट कर सकते हैं तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दी कट ऑप्शन देखिए डिमांड फोरकास्टिंग अब आप देखेंगे तो डिमांड फोरकास्टिंग में आपके पास दो टेक्निक होते हैं ओपिनियन पोलिंग मेथड और स्टेटिस्टिकल ओपिनियन पोलिंग मेथड में एक्सपर्ट ओपिनियन

करेट ऑप्शन नेक्स्ट डैश डिमांड फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू द बिजनेस कंडीशन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एज ए होल तो आपको बताना है कि कौन सा डिमांड फोरकास्टिंग है मैक्रो लेवल ऑप्शन ए ऑप्शन बी इंडस्ट्री लेवल ऑप्शन सी फॉर्म लेवल या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस जो कि रिलेटेड होता है बिजनेस कंडीशन जो कि इकोनॉमी एज ए होल में कर, हो रही होती है तो इकोनॉमी एज ए होल इसको क्या कहते हैं मैक्रो लेवल देखिए माइक्रो क्या हो गया जब इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं इंडिविजुअल फॉर्म की बात करते हैं वहीं पे माइक्रो लेवल क्या हो गया जब इकोनॉमी एज ए होल की बात करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमी एज ए होल हम बिजनेस कंडीशंस को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइक्रो लेवल डिमांड फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस कंडीशन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एज ए होल नेक्स्ट है डैश डिमांड फोरकास्टिंग इज प्रिपेयर बाई डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशन इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द डिमांड फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग हो रही है लेकिन किसके लिए हो रही है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए हो रही है और ट्रेड एसोसिएशन द्वारा वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्या डिमांड होगी तो क्या होगा माइक्रो लेवल इंडस्ट्री लेवल फॉर्म लेवल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस क्या होगा इंडस्ट्री लेवल यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इंडिविजुल नहीं कर रहा है ना ही इकोनॉमी एज ए होल हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है इंडस्ट्री ट्रेड एसिजन कर रही है अपनी इंडस्ट्री के लिए तो ऑप्शन बी इंडस्ट्री लेवल का डिमांड फोरकास्टिंग यहां पे करट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है डैश फोरकास्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैनेजर व्यू पॉइंट एज इट हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग विथ रिकॉर्ड टू द फर्म्स डिमांड एंड प्रोडक्शन तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल फर्म्स की डिमांड और प्रोडक्शन के ऊपर आ रहा है तो कौन सा फोरकास्टिंग हो जाएगा ऑप्शन सी फर्म लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड तो जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो टाइप के हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो जो शॉर्ट टर्म डिमांड होता है फोरकास्टिंग का उसका क्या पर्पज होता है ऑप्शन ए मेकिंग ए सुटेटल प्रोडक्शन पॉलिसी ऑप्शन बी टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मेटेरियल नो एंड टू कंट्रोल इन्वेंट्री ऑप्शन सी डिसाइडिंग सुटेटल प्राइस पॉलिसी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव तो देखिए पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग क्या हो जाएगा ये तीन हो जाएंगे सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी बनाना परचेजिंग रॉ मेटेरियल की जो कॉस्ट है उसको कम करना है इन्वेंट्री को कंट्रोल करना और सुटेबल प्राइस पॉलिसी को भी डिसाइड करें तो ऑल ऑफ द एब शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग कर सोर्स से हो सकता है नेक्स्ट परपज ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड अब यहां पे आपको बता रहे कि जो लॉन्ग टर्म डिमांड डिमांड फोरकास्टिंग होता है वो क्या इंक्लूड करता है मेकिंग ए सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी टू रिड्यूस रिड्यूज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मेटेर एंड टू कंट्रोल इन्वेंट्री डिसाइडिंग सुटेबल प्राइस पॉलिसी या प्लानिंग ऑफ ए न्यू यूनिट और एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग यूनिट जैसे कि ऊपर आपने देखा कि जो सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी है परचेजिंग रॉ मेटेयल कॉस्ट को रिड्यूस करना है सुटेबल प्राइस पॉलिसी क्या है, है शॉर्ट टर्म है लेकिन प्लानिंग ऑफ ए न्यू यूनिट और एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग यूनिट क्या है लॉन्ग ंग टर्म है कोई नया यूनिट आपको खोलना है कोई एग्जिस्टिंग यूनिट को जो है एक्सपेंड करना है तो okay, ये क्या हो गया ये लॉन्ग टर्म के परसपेक्टिव से आप सोच रहे हैं तो कोई नई यूनिट खोलना कोई नया एग्जिस्टिंग यूनिट को जो है एक्सपेंड करना तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ती है तो ऑप्शन डी इज द गड ऑप्शन नेक्स्ट परपज ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग डज नॉट इंक्लूड कौन सा जो है डिमांड फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म में इंक्लूड नहीं किया जाता है प्लानिंग ऑफ ए न्यू यूनिट और एक्सटेंशन प्लानिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट या डिसाइडिंग सूटेबल प्राइस पॉलिसी तो देखिए ऊपर के तीनों ऑप्शन ए बी सी ये तीनों क्या है लॉन्ग टर्म है लेकिन जो ऑप्शन डी है सुटेबल प्राइस पॉलिसी वो क्या है वो शॉर्ट टर्म होता है तो ऑप्शन डी जो है वो डिमांड फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का पर्पज़ नहीं है नेक्स्ट है सर्वे मेथड ऑफ़ डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड तो जो सर्वे मेथड होता है डिमांड डिमांड फोरकास्टिंग का वो क्या इंक्लूड करता है ओपिनियन सर्वे एक्सपर्ट ओपिनियन डेल्फी मेथड या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो सर्वे मेथड अभी आपने देखा पीछे डिमांड फोरकास्टिंग के दो मेटो तो सर्वे और स्टेटिस्टिकल तो सर्वे में ओपिनियन एक्सपर्ट और डेल्फी ये तीनों ही आते हैं ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज ऑल्सो नॉन एज सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड और कलेक्टिव ओपिनियन मेथड यहाँ पे देखिए क्या है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ओपिनियन सर्वे बी एक्सपर्ट ओपिनियन सी डेल्फी मेथड या डी कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड तो कौन से मेथड को हम जो है सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड या कलेक्टिव ओपिनियन मैथड कहा जाता है तो यहाँ पे नाम में क्लियर है ऑप्शन एपीनियन सर्वे मेथड को हम सेल्स फोर्स कम्पोजिटिटिटिटिट मेथ यहाँ पे हम सेल्स फोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर उसको कलेक्टिव ओपिनियन मैथड के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट है अंडर डैश मेथड ए पैनल इज सेलेक्टेड टू गिव सजेशन टू सॉल्व दी प्रॉब्लम इन हैंड तो कौन से मेथड में जो है डिमांड फोरकास्टिंग पैनल सेलेक्ट किया जाता है और जो कि हाँ जो करंट प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने में ओपिनियन सर्वे एक्सपर्ट ओपिनियन डेल्फी मेथड या फिर ऑप्शन डी कंज्यूमर इंटरव्यू तो पैनल सेलेक्ट किया जाता है और उनसे जो है सजेशन लिए जाते हैं तो यहां यह होता है डेल्फी मेथड में ऑप्शन सी डेल्फी मेथड नेक्स्ट कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में अंडरटेकन बाई कंज्यूमर इंटरव्यू है यहाँ पे कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग तो किससे किया जा सकता है ऑप्शन ए कंप्लीट एनोमेशन ऑप्शन बी सैंपल सर्वे ऑप्शन सी एंड यूज मेथड या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब तो आपने पीछे देखा था डिमांड फोरकास्टिंग में कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड में तीनों थे कंप्लीट एनोमेशन सैंपल सर्वे और एंड यूज में था तीनों था यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ये तीनों ही क्या है कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग के नेक्स्ट है डैश इन डैस अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट द डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड अब यहाँ पे बताना है कि न्यू प्रोडक्ट की डिमांड की फोरकास्टिंग हो रही है तो कौन से अप्रोच में बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑन ऑफ एन एस्टाब्लिड यानी कि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हमारा इस्टेब्लिश्ड है उसकी ग्रोथ के बेसिस पर हम नए प्रोडक्ट की डिमांड को एस्टिमेट करते हैं तो ऑप्शन ए है ग्रोथ कर अप्रोच ऑप्शन बी एवोल्यूशनरी अप्रोच ऑप्शन सी ओपिनियन पोलिंग अप्रोच या फिर ऑप्शन डी विकेरियस अप्रोच तो देखिए जो प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टैब्लिड है उसकी ग्रोथ के बेसिस पे नए प्रोडक्ट की ग्रोथ के फोरकास्ट करना ये कहलाता है ग्रोथ कर्व अप्रोच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग तो कौन से मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड को हम इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग भी कहते हैं तो ये स्टेटिस्टिकल मेथड में होता है याद रखिएगा ओपिनियन सर्वे कंप्लीट इनोग्रेशन को रिलेशन रेग्रेशन या फिर ऑप्शन डी डेल्फी मेथड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग है ये क्या है को रिलेशन एंड रेगुरेशन ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर गुड तो एक अच्छी डिमांड फोरकास्टिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हो इकोनॉमी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द तो डिमांड फोरकास्टिंग कब अच्छा होता है जब उसमें पॉजिबिलिटी होती तारीफ होती होता है सिंपल होता है और इकोनॉमिकल भी होता है यानी कि ज्यादा पैसा खर्च हो जा रहा है डिमांड फोरकास्टिंग में तो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एवब ये ऊपर के तीनों ही क्राइटेरिया डिमांड फोरकास्टिंग में होने चाहिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट तो नए प्रोडक्ट को की डिमांड को फोरकास्ट करना है तो उसमें से नीचे दी गए कौन सा मेथड नहीं है नए प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड नहीं है ऑप्शन ए ट्रेंड प्रोजेक्शन ऑप्शन बी सस्टिट्यूट अप्रोच ऑप्शन सी सीशन अप्रोच ऑप्शन सी डील्स सेल्स एक्सपीरियंस अप्रोच तो आपने देखा था कि डिमांड फोरकास्टिंग में हम जब एग्जिटिंग डिमांड फोरकास्टिंग प्रोडक्ट के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो वहां पर ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड जो कि स्टेटिस्टिकल मेथड में आता है वो क्या होता है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के डिमांड फोरकास्टिंग के लिए होता है लेकिन नए प्रोडक्ट के डिमांड फोरकास्टिंग के लिए वो टेक्निक यूज नहीं होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रेंड प्रोजेक्शन ये मेथड नए प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग के लिए यूज नहीं होता है बाकी तीनों नीचे बी सी डी ये तीनों ही होते हैं नेक्स्ट है डेल्फी मेथड इज़ यूज्ड फॉर तो डेल्फी मेथड किस लिए होता है जजमेंटल फोरकास्ट के लिए टाइम सीरीज फोरकास्ट के लिए एसोसिएटिव मॉडल या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो देखिए डेल्फी मेथड में क्या होता है पैनल सेलेक्ट किया जाता है वो अपने एक्सपर्टीज के अपने नॉलेज के बेसिस पे सजेशंस देते हैं जजमेंट देते हैं तो ये क्या है जजमेंटल फोरकास्ट होता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिमांड फोरकास्टिंग से तो टेक्निक ऑफ़ डिमांड फोरकास्टिंग और डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल पर मोर वीडियोस थैंक यू